Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today's recipe is gonna be a pasta recipe. It's a spiral pasta. So let me show you how I made it. Let's get started. So यहाँ पे ले लिया हमने एक पैन जिसमें एक लीटर पानी ले लिया है और अब मैंने एक पैकेट स्पाइरल पास्ता जो कि पास्ता यहाँ पे डाल दिया है। तो अब इसे बॉयल आ चुका है तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, नमक, और एक चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी अभी। सो या इट्स डन नाउ। सो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे चेक कर लूँगी। एक्चुअली हमें इसे 90% तक पकाना है। ओके, सो या यू कैन सी ये हो चुका है। सो इसका फ्लेम अभी मैं ऑफ कर दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया जिसमें मैंने एक बटर क्यूब डाल दिया है, एटलीस्ट 3 टेबल स्पून होगा बटर यहाँ पे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी लहसुन जिसे मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया था, इसे अच्छी तरह से यहाँ पे डाल दूँगी। यू कैन सी दैट, इसे मिक्स कर लिया है अभी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज जिसे मैंने मोटा मोटा करके काट लिया है, सो इसे मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर जिसे मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च जिसे भी मैंने बारीक बारीक से काट लिया है। तो एक बड़ा टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक से काट लिया। अब इन सब चीज को अच्छी तरह से मिला के मिक्स करके पका लूंगी। तो यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल दिया है, एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के मैंने अभी इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सो अभी मैंने पास्ता डाल दिया जो कि मैंने स्ट्रेन कर लिया था, तो इसे मैंने यहाँ पे डाल के अभी मिक्स कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से। सो पास्ता को मैंने मिक्स कर लिया, तो अभी मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ओरिगानो डाल दूंगी। यू कैन सी, सो ओरिगानो मसाला मैंने अभी डाल दिया है। सो 1 टेबलस्पून में रेड चिली सॉस डाल दूंगी, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल दूंगी यहाँ पर, वन टेबल स्पून सोया सॉस डाल दूंगी एंड 1 टेबल स्पून विनेगर। सो इसे मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर बारीक बारीक से काट के डाल दिया है। सो इट्स टाइम फॉर अमूल चीज, तो अमूल चीज डाल दिया है। सो पास्ता को हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, तो मैं शुरुआत से लेकर अब तक मीडियम फ्लेम में ही पका रही हूँ यह सब। तो इसे मैंने अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यह इट्स डन नाउ। तो अभी प्लेटिंग की बारी है, तो मैं यहाँ पे एक बाउल पे सर्व कर रही हूँ इसे। तो ये कम्प्लीटली हो चुका है, इट्स डन नाउ, आवर पास्ता इज़ रेडी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना,
और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।